दोस्त यहाँ पर चीजें थोड़ी वर्स्ट हो गई है यार। ये मैंने ना ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। चोरियाँ हो रही है, चोरियाँ। वो तेरा मुंह धो लिया रे। ये बच्चे लोग ये तैयारी में बैठे हुए हैं सब। आग में गया, आग में गया भाई। हेलो नमस्कार, क्या बोला मेरा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम मैन, वेलकम टू माय YouTube चैनल MSK। अभी टाइम हो रहा है 9:43, थोड़ा सा लेट है। सब लोगों ने होली खेलना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों की हो भी गई है शायद। या इसको पीछे रख दे। रंग बरसे। तो अभी हम जा रहे हैं वृंदावन। एक्चुअली हमें वहाँ पहुँचना था 9 बजे। 10 बजे वहाँ पर मंदिर के अंदर एक होली मनाई जाती है। वृंदावन में एक फेमस मंदिर है बाके बिहारी, तो वहाँ पर होती है वो होली। हमने सेम कपड़े पहने, मैंने आर्या ने, पूनम ने चेंज किए। कल जब डोला निकला था ना, तो वहाँ पर एक आदमी था, उस आदमी का मैंने नाम रखा था कीटनाशक। कीटनाशक के अंदर कलर भर के सब पे उड़ा रहा था। वो कलर उसने जो उड़ाया था ना, वो कलर नहीं निकल रहा है। आज कोई टी शर्ट खराब ना हो, इसीलिए वही टी शर्ट पहन लिया कि भाई अभी ये खराब हुआ तो ये खराब होने दो। यहाँ से वृंदावन दिखा रहा है 11 किलोमीटर। रिक्शा में भर भर के फेंक रहे हैं लोग यार। क्या यार, नेक्स्ट लेवल होली मना रहे हैं लोग यार। रिक्शा के अंदर जो भी बैठा है सब पे डाल रहे हैं। इधर वही अलग ही आतंक मच रहा है। हाँ, अगर शायद अपना शीशा नीचे रहेगा ना, अपने ऊपर भी डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। ओए, 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 झगड़ा हो गया इधर। ये जो होली खेल रहे हैं ना लोग सड़कों पर, ये होली तो हमने मुंबई में भी खेली है। दूसरे बार फेंकना, फिर छुप जाना। ये लोग छुप रहे नहीं, ये लोग में हिम्मत बहुत है। हम लोग फेंक के छुप जा सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं अटला चुंगी और ढूंढ रहे हैं पार्किंग की जगह। एक जगह मिली है, देखते हैं अभी यहाँ पर रख सकते हैं या नहीं रख सकते। मैं तो कह रही हूँ और आगे चल सकते हैं। रिक्शा से तो इसे जाना ही है, तो इधर से इधर से ले लेगा ना। आजा दोस्त, ज्यादा नजदीक से चिपका दिया क्या? 20 रुपए सवारी होती है, 20 रुपया नहीं। चल चल, बहुत धमाल मच रहा है यहाँ पर। तो देख रहे यहाँ की, जब हम गाड़ी में थे हम देख रहे थे लोग रिक्शा में फेंक रहे थे, अब हम रिक्शा में हमारे ऊपर हमला हो चुका है। नाइस नाइस टू पूनम। हमला हमला, मैं अपना कैमरा बचा रहा हूँ। ये तो भाई हद हो गई अभी। अभी तो कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है ये। पानी मत डाल दोस्त। शिट, इसको देख क्या हो गया इसका। अरे साइड हो जा, साइड। अरे मंदिर जाने दो हमें। ओ शिट, बल्लम पिट चुका, इसका मुंह साफ हो गया। क्रेजी होली है यहाँ पर यार। अब हम भी डालेंगे। वायलेंस है, वायलेंस। कलर निकाल, मार्किंग में डाल। आग में गया, आग में गया भाई। आग पूरी हरारा हो गई। हाँ। पानी चाहिए भाई, किसी ने तो डाला खतरनाक। ये नहीं करना चाहिए, जितना ब्लिंक करोगे ना उतना वो बाहर निकलेगा। हाँ। ब्लिंक करते रहो, ब्लिंक करते रहो। चल रहा है ये, उधर से हमला कर रहा है वो। गाड़ी में थे तब सेफ थे, गाड़ी से निकल के रिक्शा में जैसे बैठे हम लोग, ये हो गया भाई। ऐसा नहीं कि सूखी सूखी होली, सब गीला कर दिए। 2 मिनट में हुआ है। उसका लेके उस पे डाल दे क्या? ये है ना अपने पास, उसके मुंह पे मार देगा फट करके भाई। रिवेंज देना पड़ेगा। बच्चे लोग यहाँ की शैतान है साले। मुझे लेना है अभी रिवेंज, मुझे चाहिए एक गुनी कलर। मैं लूंगा आधा किलो रंग। रिवेंज भाई, रिवेंज रिवेंज चाहिए मुझे।
हैप्पी होली। ऐसा कर दिया इसको यार, सब मिक्स कलर हो गया। अब मचेगा आतंक। अब आओ रास्ते में कौन है हमारे। Ladies and gentlemen, boys and girls, यहाँ पर चीजें थोड़ी वर्स्ट हो गई है। आपको मैं बाहर निकल के बताता हूँ, अभी हम मंदिर की तरफ नहीं जा रहे, मैं वापस जा रहा हूँ। ये बच्चे लोग ये तैयारी में बैठे हुए हैं सब। रंग बिरंग ले सबको छुपा के रखा हूँ। ये लड़की देख के हमला करेंगे लोग। राधे राधे राधे। उन लोगों को पता नहीं है कि अपने हाथ में कुछ है। कैसे हो सर? राधे राधे। इसका ये देखो भाई, सिर पे प्रोटेक्शन। वो तेरा मुंह धो लिया रे। अरे मेरा गुलाल गीला कर दिया इन लोग ने यार, आखिर तक नहीं छोड़ा पब्लिक ने हमें, पूरा गीला कर दिया। क्या होली है यार, एक तो एक्सट्रीम होली है यार, तो बेकार होली कर दिया इन्होंने सब। नाक नाक कान मुंह सब जगह कलर ही कलर है, ऊपर से नीचे तक सब गीला हो चुका है, यहाँ तक कि अंडरवेयर भी नहीं छोड़ा, सब जगह गीला कर दिया, सब जगह कलर है। जाएं तो वापस कैसे जाएं? फॉर्च्यूनर पे बैठेंगे, फॉर्च्यूनर पे गीली गीली फॉर्च्यूनर हो जाएगी, क्या करें? तेरा ससुर ग्रीन है। यार ये मैंने ना ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं आपको कोई शांत जगह में बैठ के बताऊंगा कि हमारे साथ क्या हुआ है और क्यों हम वापस आए। दिस इज नॉट डन। ये सिर्फ 10 मिनट में हुआ है बाय द वे, सिर्फ 10 मिनट। हिम्मत नहीं बची। और भाई चलो ठीक है, रंग लगा रहे, हाथापाई हो रही, ठीक है, चोरियां हो रही है, चोरियां बता तो क्या चोरी हुआ है? मोबाइल चोरी होते तो बच गया, ड्रोन चोरी होते तो बच गया, कैमरा चोरी होते तो बच गया। ये हमें रास्ते में पड़ा हुआ मिला, फिर भी इसमें छेद है, लेकिन ठीक है, इतने में काम चल जाएगा। अभी तुम लोग की सीट का इंतजाम करना। ये मिला तेरे को? ऐसे तैसे बचा बचा के बैठे, लेकिन फिर भी इसमें गिर गया। मेरे सर पे कोई तो ऐसा गुच्छा है, इधर टकराया सर, इधर से सीधा इधर आया, क्या ही पूरा का पूरा गाड़ी ने भी होली खेल लिया। चाय आ गई है, ये बहुत ज्यादा गर्म है, इतना गर्म तो पिएगी नहीं हो। अरे ये लड़की यहाँ वा, चाय रेडी है लेकिन तू तो अभी पिएगी नहीं इसको। बर्फ इसमें बर्फ मिलेगा, बर्फ एक टुकड़ा बर्फ इसके अंदर डाल दो इसके लिए। मजाक कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा था अपने दोस्तों से, बता रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, तो बोल रहा नॉर्मल है, ये तो होते रहता है, अपने को पता नहीं था, अपन प्रिपेयर नहीं थे, नेक्स्ट टाइम आऊंगा बदला लेने के लिए मैं। लेकिन अभी जो हुआ है वो कहानी आपको जानना भी जरूरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम से आप आओ तो आपको भी पता चले कि यहाँ क्या होता है। अगर ये होते रहता है तो लोगों ने इस बारे में बात क्यों की है? मतलब हमेशा सिर्फ ऐसा क्यों इमेज दिया है कि बहुत प्यारी है, बड़ा मजा आता है, मतलब फिर एक वार्निंग भी दो कि ऐसा सब भी होता है। जोर से बोलो मैडम, जोर से। 1 साल से हम परेशान हो गए, करना है तो करो, फिर ये भी परेशान, हम भी परेशान, करो फिर। इसका फ्रस्ट्रेशन तो जारी है। ये क्या है? ये हमारी रिसर्च टीम है, ये रिसर्च कर रही थी, इसको कुछ नहीं मिला ऐसा। ये सीरी, यू आर रॉन्ग सीरी, आई लव यू, दैट्स माय बियॉन्ड लिमिट, ऐसा बोलती है जब उसके लिमिट में नहीं होता। आंख हो गई क्या नीली नीली? इधर इधर छुपा हुआ कलर है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी इसको अच्छे से नहाएंगे। 1 घंटा टाइम दिया हूं सब, 1 घंटा नहा के सब कलर निकाल रहे। ये देख रहे हो आप, ये जीतू है, ये जीतू के हाथ में मेरे को लगा कि कुछ तो होगा, लाइटर वाइटर बोलते हैं, मोबाइल है ये, इतना छोटा मोबाइल, दो सिम कार्ड इतने छोटे मोबाइल में। कौन उड़ा? हेलो हेलो, हाँ भैया किधर हो? अरे हम तो मथुरा, तुम किधर हो? मुंबई में। अरे अरे ऑलराइट, नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए, अभी मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। आज जुमा की नमाज है और शबे बारात भी है। आज की रात बड़ी रात है, इबादत की रात है और गुनाहों से माफी मांगने की रात है। अभी फिलहाल तो भूख भी लगी है, पहले नमाज पढ़ के आता है। वैसे मथुरा में काफी मस्जिद है, मैं गूगल में चेक कर रहा था, और कल जब हम जा रहे थे तब, अरे बाप रे बाप, धुआं धुआं भपका सीधा। कल जब हम जा रहे थे तो काफी मस्जिद हमने देखा था रास्ते में। अच्छा है, सब यहाँ पर मिल बांट के रहते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। कुछ लोगों के मैंने कमेंट देखे थे, वो लोग कह रहे थे कि भाई आप होली सेलिब्रेट कर रहे हो। देखो होली जो है ना वो इंडियन फेस्टिवल है और मैं इंडियन हूँ, तो इंडिया में जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं मैं करता हूँ, क्योंकि अपन भारतीय है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसके जवाब देना मैं सही नहीं समझता हूँ। सही का मतलब नहीं, मतलब ठीक है आप समझ लो। ओके गाड़ी यहाँ पर पार्क है, यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ नमाज अदा कर।
हो गया जी नमाज, चलते हैं घर पे, बहुत भूख लगी है। मैं आज जैसा भी हूँ ना वो इसीलिए हूँ क्योंकि जहाँ पर मेरी परवरिश हुई है, जहाँ पर मैं बड़ा हुआ हूँ ना, वहाँ पर हम लोग जितने भी फेस्टिवल्स हमारे इंडिया में होते हैं सब साथ में मिलके बनाते थे। अगर ईद होती है तो सब मिलके ईद मनाते हैं, अगर दिवाली होती है तो सब मिलके दिवाली मनाते हैं। जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उन सारे फेस्टिवल्स को मैं अपना ही फेस्टिवल मानता हूँ। सेलिब्रेट धूमधाम से होती है, कोई भेदभाव नहीं है सेलिब्रेशन में। खुशियां जहां पर हो वहां पर हम पीछे नहीं हटते। जहां तक बात रही इबादत की तो वो अल्लाह की इबादत करेंगे, सर झुकेगा तो अल्लाह के सामने। अभी बात करते हैं वो इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ। तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था कहानी में। हम लोग फॉर्च्यूनर से जा रहे थे और हमारे सामने लोग ऐसे रिक्शा के ऊपर ऐसे पानी वानी फेंक रहे थे, देख के मजा आ रहा था। हमको लग रहा था वाह क्या होली खेल रहे हैं। फिर हमने अपनी गाड़ी पार्क की और फिर हम बड़े मंदिर की तरफ, बांके बिहारी मंदिर। जैसे हम लोग रिक्शा में बैठे हमारे ऊपर पानी फेंकने लगे, कलर उड़ाने लगे। हमें अच्छा लग रहा था क्या होली मनाई जा रही है यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा कल्चर है कि मतलब आप गली से होते होते जा रहे हो, ऊपर से लोग ऐसे पानी फेंक रहे हैं, बच्चे आपके साथ मतलब खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा माहौल था। एक टाइम बाद क्या होता है कि आपको रिक्शा से उतरना पड़ता है, फिर आपको पैदल चलना पड़ता है, वहां से रिक्शा नहीं जाती है। अब हुई कॉम्प्लिकेशन वहां से शुरू। जब हम पैदल चल रहे थे वहां पर तो जो कलर लगाने का प्रोसेस था वो काफी वायलेंट हो रहा था। इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैं जा रहा था, मैंने एक टोपी पहनी हुई थी और एक लड़के ने इधर जोर से मारा, सर पे मारा उसने, तो टोपी नीचे गिरी और मुझे आया गुस्सा। मैं उसकी तरफ बढ़ा कि भाई तू कलर फेंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू मार नहीं सकता। ऐसे करके जब मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था तो आर्या भी वहां पर आया। तो मैं तभी रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे हाथ में कैमरा था, मैंने देखा कि इधर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। इतने सारे लोग थे, इतना आवाज था, इतना रंग हवा में उड़ रहा था कि क्लियर नहीं रहता, सब क्योटिक हो रहा था सब। हाँ। कुछ मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मेरे चश्मा ऐसा गायब ऊपर से गायब, मुझे लग रहा है अच्छा उजाला क्यों पड़ गया भाई। और मैंने जो अपने हाथ में कलर पकड़ा हुआ था और दो तीन छोटे छोटे बच्चे, ये जो भी कांड कर रहे थे ना ये सारे छोटे बच्चे थे, 15-16 साल के होंगे। मेरे हाथ में कलर था, वो कलर छीनने के लिए ऐसे झपट रहे थे पूरा। तो मेरे को ऐसा दिखा कि भाई अभी ये थोड़ा सा माहौल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। और फिर वहां पर एक हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, उन्होंने फिर आगे हमें लेके गए। आगे हमें और भी लोग दिख रहे थे जो ऐसे कर रहे थे, तो हमने सोचा कि नहीं अभी आगे जाना ठीक नहीं रहेगा, तो हम मंदिर तक गए। हमारे पास लाखों के गियर्स है, कैमरा 3 लाख का है, ड्रोन GoPro है, फोन है, इतने सारे गियर्स है कि हम उसका रिस्क ले नहीं सकते। अगर हम शूटिंग करने के लिए नहीं जाते तो फिर भी ठीक है। ये जब वहां पर था तो इसने नोटिस किया था कि इसके बैग में से जैसे चेन खोल के निकालने की कोशिश कर रहा, वो भी हमें दिख रहा था। डिस्ट्रैक्ट करते हुए मतलब ऐसा माहौल कि अभी वापस चलते हैं भाई, अभी नहीं जाना आगे। तो फिर हमने वहां से डिसीजन लिया कि हम वापस आते हैं। और वापस आते टाइम वही सेम ग्रुप को मैंने देखा, उन्होंने एक बंदे का चश्मा और चुराया। फिर एक बंदा आ रहा था, उसने थोड़ा सा वायलेंस होने की कोशिश की तो सारे बच्चे ने मिलकर उसके कपड़े फाड़ दिए वहां पर। ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। अगर मुझे पता होता ना ऐसा होता है वहां पर तो मैं पहले से तैयारी करके आता और उनके नादी नहीं लगते, हम सीधा निकल जाते। अगर उसने मारा भी होता तो हम निकल जाते। हम धीरे धीरे यूज्ड हो गए थे कि लोग कलर्स फेंक रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, हम उतना भी ठीक था, खुश हो रहे थे, लग रहा है कि चलो ये एक्सपीरियंस अलग है। इसकी तो वार्ड लगा दी थी, सब जगह से कलर आ रहे लेकिन हम लोग खुश होकर मतलब चल रहा था। We were taking it in like in good spirit. तो ये चीज मैंने सोचा कि आपको बताऊं, अगर कोई ये व्लॉग देख के आ रहा हो तो थोड़ा प्रिपेयर रहे कि ऐसा भी होता है यहाँ पर, चोरी भी होती है, झपटा भी होती है, मारामारी भी होती है। ये बेसिकली एक मेन लेन है जो बांके बिहारी टेम्पल तक पहुंचता है। तो टेम्पल यहाँ पे है, वहाँ पे 3 लेन्स पहुंचती है। तो वो तीनों लेन्स में जो भी घर है और वहाँ के जो बच्चे और जो लोकल्स जो वहाँ रहते हैं, ये सब सिर्फ उनके हरकतें हैं। तो वो वीडियो में भी कैप्चर हुआ है कि मेरे सनग्लासेस पूरा घूम के किधर और चले गए, ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं, ट्रांसपोर्ट हो गए। इतना ही था आज के व्लॉग के लिए। हमारा प्लान था और शाम तक वहां रुकने का प्लान था, बहुत कुछ करने का प्लान था, बट ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ ना कि थोड़े हमें से डर से गए, इसके लिए हमने आगे कंटिन्यू नहीं किया। बाकी सब एकदम बढ़िया। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ द डे। आई विल सी यू सून। नेक्स्ट लव बर्थडे के खुदा हाफिज। लिव लाइफ, लिव योर ड्रीम। इधर नीचे क्यों गया था मेरे को बड़ा बूम देने के लिए। GoPro लाया क्या? GoPro GoPro हाँ, तो उससे ही करते हैं। आईफोन भी रख दो। GoPro तुम्हारे पास दिया ना मैंने? नहीं। GoPro गाड़ी में रह गया? गाड़ी उधर से निकाला। अरे यार।